दोस्तों, ड्रग्स मामले में जब से आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई है तब से अब तक नए नए खुलासे होते नजर आ रहे हैं। क्रूज पर ड्रग्स केस की जांच कर रही एजेंसी एनसीबी के रडार पर आर्यन खान के बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे भी आ गई हैं। आपको बता दें कि कल एनसीबी ने अनन्या पांडे को अपने ऑफिस बुलाया और काफी देर तक उनसे पूछताछ भी की। जी हाँ दोस्तों, आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद एनसीबी का शिकंजा कसा है बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे पर। आर्यन खान और अनन्या के बाद ऐसा माना जा रहा है कि अभी कई और टारगेट्स हैं जिनके नाम इस केस में सामने आ सकते हैं और एजेंसी उनसे भी पूछताछ कर सकती है। इस लिस्ट में सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट नाम है संजय कपूर की बेटी शनाया कपूर का। ऐसा कहना है जाने माने फिल्म क्रिटिक कमाल आर खान का। कमाल आर खान के मुताबिक एनसीबी के रडार पर अगली टारगेट शनाया कपूर है, जो की सुहाना और अनन्या पांडे की बहुत खास दोस्त है। क्रूज रेव पार्टी मामले की जांच कर रही एनसीबी जल्द ही संजय कपूर की बेटी शनाया कपूर को भी पूछताछ के लिए बुला सकती है। एजेंसी जल्द ही उनको समन जारी कर सकती है। शनाया कपूर भी आर्यन खान की दोस्त मंडली का हिस्सा है। शनाया कपूर और अनन्या पांडे की अच्छी खासी दोस्ती है और दोनों की आर्यन खान से भी काफी अच्छी पड़ती है। तीनों की कई पुरानी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही है। शनाया कपूर आर्यन की हर पार्टी का हिस्सा बनी रहती है। आपको बता दें कि आर्यन खान और अनन्या पांडे के बाद शनाया कपूर का नाम सामने आया है, जिनसे एनसीबी ड्रग्स केस में पूछताछ कर सकती है और ये नाम का खुलासा किया है फिल्म क्रिटिक KRK ने। कोर्ट में एनसीबी ने आर्यन खान को लेकर एक व्हाट्सएप चैट को पेश किया था, जिसमें उन्होंने किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस से बात की थी और ये बॉलीवुड एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि अनन्या पांडे थी, जिन्हें कल एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया और आज भी एनसीबी उन्हें पूछताछ के लिए बुलाने वाली है। लेकिन जिस तरीके से अनन्या और आर्यन के बाद में अगले बॉलीवुड स्टार किड यानी कि संजय कपूर की बेटी शनाया कपूर का नाम सामने आया है, उससे ये बात तो साफ हो जाती है कि बॉलीवुड के कई स्टार किड इस जांच में सामने आने वाले हैं। अब देखना होगा कि एनसीबी के रडार पर कौन कौन से बॉलीवुड स्टार के आते हैं।